क्या लोग इतनी मेहनत करते हैं अपनी गाड़ी से कपड़ा उतारने के लिए, हमारे लिए सिर्फ एक चुटकी की बात है। क्या हुआ, नहीं यकीन आता, करके था हम ये देखो फिर आए मानते हैं ना फिर अपने भाई को, है ना आपका भाई फुल टाइम जादूगर। चल तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई होके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो यार जैसे कि आपने कल का व्लॉग देखा होगा कि जी हमारे साथ हो गया था एक छोटा सा प्रैंक, छोटा सा मजाक, वो कितने आ रहे हो कि हुआ ये कि आपका भाई फुल अरमानों से लेके अपनी गाड़ी के लिए बैट पैन स्टाइल स्प्लिटर, लेकिन वो हमारी इस किट के साथ लग ही नहीं सका। तो हमने अब क्या किया, हम कल ही मार्केट चले गए थे और वहाँ से जाके अपना जैसे पहला स्प्लिटर लगा हुआ था ना वैसा एक नया स्प्लिटर ले आए हैं। तो आज हमने जाना है इसका वो स्प्लिटर फिट करवाना है, प्लस एक और चीज़ आज हम लेके हैं, ये एयर प्रेसेस देख रहे हो, ये आपके भाई ने वाइट कलर के करवा के रखे हुए हैं। इनके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि यार मैंने ना एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे ना रिले देख रहा था आपका भाई, मेरी नज़र पड़ी एक गोरा था, उसके पास ना एक सिल्वर से कलर की गाड़ी थी, ठीक है ना, उसके पास तो उसकी गाड़ी पे जो एयर प्रेसेस लगे हुए थे ना वो उसने अपनी गाड़ी के बॉडी कलर के कराए हुए थे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने भी जो मेरे पुराने एयर प्रेसेस थे ये इसको ऑलरेडी लगे हुए थे और ये जगह जगह से देख रहे टूट गए हुए थे, यहाँ से और उस साइड वाले भी टूटे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इनको हल्का हल्का रिपेयर करवाया और इनको वाइट पेंट करवा दिया और ये फिर इस तरह की लुक में आ गए, जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी, कॉमिक टाइप लुक देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं, फिर टूट गए हैं और अब दिल भी भर गए इनसे। तो आपके भाई ने नए एयर प्रेसर भी खरीदे हैं, आओ आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ये जो डब्बा रखा है ना मैं अभी पिछले क्लिप में, इसमें असल में एयर प्रेसर ही हैं। ये देख रहे हो कितने सारे हैं, मतलब कितने सारे तो नहीं, चार हैं ये देख रहे हो। तो इनको उधर जाके आप लोगों को अनबॉक्स करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इनकी शेप ऑलमोस्ट ऐसी ही है लेकिन ब्रांड न्यू है, प्लस स्मोक शेड में तो बड़े अच्छे हैं। ये रहा हमारा अगला स्प्लिटर, ठीक है ना, जैसा उतारा है वैसे ही नया ले आए, लेकिन ये कम से कम टूटा हुआ नहीं है, जो उतारा हुआ वो टूटा हुआ था। तो अब बस जल्दी से निकलते हैं इससे पहले धूप तेज़ हो जाए और वर्कशॉप में रश भी हो जाए, दो काम है आज हमारे, ये दोनों करवाते हैं और शायद आज हम इस गाड़ी को स्ट्रेट पाइप भी करवा दें, क्योंकि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि क्या देखेंगे, वर्कशॉप खुली हुई स्ट्रेट पाइप वाली तो करवाएंगे, क्योंकि का मतलब करवानी है तो करवानी है, ऑटो शो आ रहा है भाई, है क्या बात हुई। तो आज हमने इसके तीन चार काम मुकाने हैं, तो अब जल्दी से निकलते हैं। चलो जी चले। कमर सड़ गई, ओए हो इतनी गर्म है, ओए शीशे खोलो, लक सड़ गया ताडे भरा दे, करी उंजी चलावांगे, ना स्टेयरिंग फड़िया जा रहा है ना बैठा जा रहा है, मैंगो असी काम करना है, यकीन मानो लक सड़ गया अपना, बहुत ही गर्म थी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो अपनी गाड़ी को परफेक्ट बनाने की, लेकिन कोई ना कोई मसला रहता ही है आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई मुसीबत रहती है ज़िंदगी में। तो अब आपके सामने ही गाड़ी के काम शाम हो रहा है, कोई ना कोई मसला आ ही रहा है, कभी स्प्लिटर नहीं मिलेगा, कभी फिट नहीं होगा, कभी कुछ ना कभी कुछ, और अभी एक और मसला निकल आया, ये देख रहे हो शीशा आपको नजर आ रहा होगा कितना गंदा है, ये मैं चला रहा हूँ, वाइपर चल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसकी मोटर सड़ गई, क्योंकि मैंने अभी कल परसों इसके अंदर पानी भरा। लो यार अब ये मोटर भी सड़ गई है, मतलब क्या कसम से जिंदगी है, आवाजार हो गया हूँ मैं। तो पापा जी वर्कशॉप हम आ गए हैं और आते साथ ये चेक कर रहे हो, हमारी गाड़ी को इन्होंने पूरा गंजा कर दिया है, गट्ठे ले गए सर, मतलब अब ये चेक करो ये नहीं लगे हुए ना, तो कितनी कोई नैश लग रहे हैं, तोबा फुल बजकट लगती है, गंजे लगते हैं। आप लोगों को मैं एयर प्रेशर दिखाऊं जो खरीदे हैं, वो खरीदे हैं हमने, किधर गया ये रहा डब्बा, ठीक है ना, डब्बा इसको निकालते हैं बाहर, किधर गया ये, और फुल लूले लंगड़े आठ, ये देखो आइयो तुसी आइयो मेरी खैर है, चल चल चलो, ओ देखो प्राइम मिनिस्टर आया साडे हो यार वखान दो आम, ये देखो यार इसको आप चेक करो, ओए हाय 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 क्या 00 स्मोक शेड, मैंने वाइट करा के ना वाइट लगे हुए थे वो देख के भाई आपका फुल थक गया, अब ये स्मोक शेड वाले बड़े ज़्यादा लगते हैं, बहुत अच्छा रेट है आपका भाई इनके लिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मस्त चीज़ है यार, ये देखो ना ये इस तरह करके लग जाओगे, और अब बस जल्दी से
इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये गाड़ी को वाइड लुक देने के लिए बहुत जरूरी है। अभी चेक करो, फुल गंजी लग रही है, गंजी मनूस। A few inches later. यार क्या जिंदगी है मेरी, क्या जिंदगी है, आवाजदार जिंदगी है। मेरी जिंदगी में नहीं मसले खत्म हो सकते। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने ये सारे एयर प्रेशर तो उतारे हैं, तो अब इनको उतारते हुए ना इसके नीचे हमने ब्लैक पेपर लगवाया हुआ था। जैसे ये हुआ है ना और ये हुआ है, सारे क्रोम को डीक्रोम किया हुआ था। लेकिन जब इसको उतारा है तो साथ साथ ये भी उतर गया और हमने नया एयर प्रेशर इसके ऊपर से रख के देखा है। और यहाँ से एयर प्रेशर के नीचे से ये जब नज़र आता है वो इतना बुरा लग रहा है। एक तो सड़क में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी लगेगी। वर्कशॉप के अंदर से ज़रा गाड़ियाँ निकल रही हैं इसलिए गाड़ी बाहर निकाल ली है। खैर, एयर प्रेशर को इसके ऊपर से रखा है और ये नीचे से नज़र आ रहा है और ये इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है आपकी सोच है। अब इसको ब्लैकआउट करवाने की वजह से आज एयर प्रेशर भी नहीं लग सकते हैं। No, God, please, no! मतलब जिंदगी में मसले नहीं खत्म हो सकते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब यही है, घर जाते हैं, इस सारे हिस्से को ब्लैकआउट करते हैं दोनों साइडों वाली और फिर आके कल या परसों एयर प्रेशर लगवाएंगे। तो अब ये तो लगे नहीं है, फिलहाल हम स्प्लिटर इंस्टॉल करवा लेते हैं। आए पप्पू के सब, ये एक साइड क्वालिटी बड़ी लेवल की होती है, ये दूसरी साइड, ये सेंटर वाला हिस्सा। तो अब बस इसको लगाने के लिए गाड़ी को जरा लिफ्ट अप कर लें, वो जैक लगा हुआ है, गाड़ी उठा लें फिर इसके नीचे से इसको खड़पेचे लगा के सेट करते हैं। ये चेक करो बाबा जी, ओए बैक टू नॉर्मल कंडीशन। यहाँ से पिछली दफा टूटा था और ये चेक करो, अभी से भी अड़ाया हुआ है, अभी ये यहाँ से फिक्स होना है। फुल ऐसे करके तो 00 फिटिंग में आ जाएगा। इस दफ़ा ना हमने इसको थोड़ा सा पीछे करके रखवाया, पिछली दफ़ा याद होगा ये काफ़ी आगे को था, इस दफ़ा ज़रा पीछे को रखवाया। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा गाड़ी हमारा फुल डेड ड्रॉप करने का मूड है, तो जब डेड ड्रॉप हो जाएगी तो ये जितना ज़्यादा बाहर को गए उतना ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से ना डेड ड्रॉप को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको थोड़ा सा पीछे करके लगाया और लुकिंग वेरी नाइस। अब बस इसको हमने पक्का करना है। तो बाबा जी स्प्लिटर वगैरह लगवा के वर्कशॉप से हम निकल आए हैं, स्प्लिटर लग गया है, लुकिंग वेरी गुड। घर जाके आप लोगों को चेक कराता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है एयर प्रेशर हमारे लग नहीं सके हैं, ये देख रहे हो ना फुल नंगा माहौल हुआ है। तो उसका जी सीन ये है कि अब दिन तो जाया करना नहीं, क्योंकि होंडा फेस्ट में दिन कोई नहीं रह गया, एक दो दिन ही रह गया मेरा ख्याल है। तो एक दिन तो गाड़ी ड्रॉप होने में लग जाता है, तो एक काम करते हैं घर चलते हैं और घर आके इन क्रोम की पट्टियों को हम घर पे ही ब्लैकआउट कर लेते हैं, इनको भी ब्लैकआउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हमसे घर पे ही एयर प्रेशर लग जाए। कुकर मैंने जैसे कि पहले कहा दिन बहुत कम है तो काम को लटकाना नहीं चाहिए, इसको जल्दी से हम ब्लैकआउट करते हैं। जल्दी से मैं पेपर लेकर आया। तो लो बाबा जी ये चेक कर, तस्ती आपके भाई ने ना घर आके इनको खुद ही घर पे ही ब्लैक कर लिया है। और अब चेक करो, अब एयर प्रेशर्स के बगैर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब चीज़ ऑल ब्लैक हो जाती है ना, ब्लैकआउट हो जाती है आपकी गाड़ी, तब बहुत ज़्यादा ग्रेस निकल आती है। ये चेक करो, ठीक है ना, फुल 00 माहौल हो गया। अब क्या करते हैं, जल्दी से अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले इसको जल्दी से हम एयर प्रेशर्स भी लगा लेते हैं। बाकी लुकिंग वेरी नाइस, अब तो इसका मतलब गंजापन भी कम लग रहा है। ब्लैकआउट करना लाजमी है। तो यार इनको लगाना बहुत सिंपल है, बस आपको भाई को हल्का आया हुआ था तो मैं वर्कशॉप ले गया, नहीं तो ये घर पे भी लग जाते हैं। आपको इसके साथ इस तरह के क्लिप्स मिलते हैं और आपने ना इन क्लिप्स को इधर आके अड़ा देना, साथ इनके डबल टेपें होती हैं, आपने इस तरह डबल टेप उतारनी है एक और ये इस तरह करके दूसरी, और उसके बाद आपने इसे घर पे ही पेस्ट कर लेना है। टेपे शेपे उतारने के बाद आपने सिंपली इसको स्टिकर की तरह लगा लेना है। ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, इधर से ऐसे और ये हो जाएगा इधर से, इस तरह करके लगा के अच्छे से दबा देना है और ये लग गया। अब आपको चेक करो, आए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये चेक करो बाबा जी, ये हमने लगा लिया है फुल 00 फिटिंग के साथ और लुकिंग वेरी नाइस। अब बस जल्दी से ये वाला भी लगा लेते हैं और बाकी भी लगा लेते हैं और लास्ट पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कितनी मस्त चीज़ है। चेक करो इस एंगल से, ओए मज़ेदार मज़ेदार लग रहा है। 20 minutes later फाइनली सारा दिन की खज्जल खुआरी के बाद वी केम टू एन एंड के आपके भाई ने फाइनली एयर प्रेशर लगा लिया। ये चेक करो, ओए फिटिंग चेक करो, आए 00 फिटिंग है। अब जो मैं कह रहा था ना कि उनको ब्लैक करना बहुत ज़रूरी है, ये देख रहे हो ये साइड से ना, अब ये ब्लैक शेड ही आ रहा है, वरना इधर आ रहा था वो क्रोम का शेड आ रहा था जो कि बहुत बुरा लग रहा था। तो ये अब ये देख रहे हो यहाँ से भी, ठीक है ना, अब यहाँ से भी ब्लैक हो गया जिसकी वजह से अब ये फुल डार्क थीम करा रहा है और लुकिंग वेरी नाइस। दूसरी साइड का भी आपको दिखाता हूँ एंड इधर से भी लुकिंग वेरी नाइस, ये देख रहे हो यहाँ से करके देखो, आए फुल ना
मजेदार लुक कराते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज के दोनों काम खत्म हो गए हैं, एयर प्रेसेस भी लग गए हैं और स्प्लिटर भी लग गया। ओ सच याद आया, आप लोगों को स्प्लिटर दिखाना था एयर प्रेसर की खुशी में ना, इनके एक्साइटमेंट में कि ये मैंने खुद फिट करने हैं, मैं आप लोगों को एयर प्रेसर दिखाना, ओहो स्प्लिटर दिखाना भूल गया। हाँ यार ये रहा स्प्लिटर, चेक कर फुल 00 फिटिंग के साथ, रुको इधर से देखो, आए फुल 00000000 फिटिंग के साथ, मजेदार किस्म का ठीक है ना, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, ठीक हो गया ना। आए ये देखो यहाँ से ना जालम लगता है, बस शो वाले दिन हमने ये भी उतार देनी है, इसकी ये जुबान ये अजीब सी लग रही है, वैसे भी इसका रंग उड़ गया, और ये प्लेट भी उतार देंगे, ये वाली प्लेट लगी रहने देंगे, और फ्रंट हमारा फुल इधर से करके ना ऐसे जालम किस्म का हो जाएगा। अच्छा आप लोगों ने मुझे एक मशवरा दो कि पहले ना जब ये स्प्लिटर लगा होता था, जिन्होंने देखा है यहाँ पे करके ना वाइट कलर की लाइन होती थी थ्रू आउट द स्प्लिटर, ठीक है ना, इसकी बाउंड्री बनी होती थी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखो गंदा हुआ है, इसको जरा मिस कराना, ये देख रहे हो ऐसे इस तरह करके ना सारी बाउंड्री हुई होती थी। तो अब आप क्या कहते हो, इसको हमने बाउंड्री तो करनी करनी है, इसकी भी दोबारा करनी है, ये जो हमने साइड पैनल लगाया है इसकी भी बाउंड्री होनी है, और इस स्प्लिटर की भी बाउंड्री होनी है। तो आप लोग बताओ, एक सजेशन दो मुझे कमेंट्स पे, कि जो इसकी बाउंड्री है वो हम वाइट से ही करें, क्योंकि पहले हमने इसकी बाउंड्री वाइट से की थी, कि हम इसकी बाउंड्री रेड से करें, क्योंकि हमारी गाड़ी में इस तरह सा थोड़ा सा रेड का शेड है। तो ये मुझे कमेंट्स पे सजेशन दो कि इन सब चीज़ों की बाउंड्री जो है वो वाइट से हो कि रेड से हो, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इसकी और भी काम शाम है, ड्रॉप होनी है, स्ट्रेट पाइप होना है, उसके साथ हम इसकी ये बाउंड्रीज वगैरह भी कर लेंगे। तो कमेंट्स में बताओ रेड के वाइट। तो लो बाबा जी आज के हमारे सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत मज़े का लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बड़ा कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, स्प्लिटर फ्लूटर कैसे लगाते हैं, और ये जो एयर प्रेसर्स होते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये लुक्स में कितना ज़्यादा इजाफा करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल मुलाकात होती है किसी नए व्लॉग में, किसी नए शुगर के साथ, किसी नई मॉडिफिकेशन के साथ। और हाँ सब्सक्राइब कर लो, माना मैं पिछले दिनों ज़रा इनएक्टिव था, लेकिन अब मुसलसल 3-4 दिन से व्लॉग आ रहा है, तो अब सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना। आपको मैं वीडियोस दूंगा, आपने मुझे सब्सक्राइब करके देना सिर्फ। अल्लाह हाफिज़।